दिल्ली के जामिया नगर थाने का घेराव। जामिया हिंसा मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी के बाद भड़क गए स्थानीय लोग। दिल्ली के जामिया नगर थाने से बीती रात अमानतुल्लाह खान ने किया हंगामा। जामिया हिंसा में मोहम्मद फुरकान की गिरफ्तारी से बौखलाए आपके विधायक। जेएनयू के प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, पुरानी फीस पर ही रजिस्ट्रेशन के आदेश। कपिल मिश्रा ने चुनाव आयोग को दिया नोटिस का जवाब, बयान का गलत मतलब निकालने और किसी धर्म का नाम नहीं लेने का दिया हवा। निर्भया के हत्यारों ने फांसी टालने पर लगाया कानूनी पेच, फांसी की सजा पाए 3 दोषियों की तरफ से लगाई गई अर्जी। तिहाड़ को नोटिस पर शनिवार को पटियाला हाउस में सुनवाई। नागरिकता कानून पर हिंसा से दिग्गज हस्तियां चिंतित, 156 पूर्व जजों अफसरों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की अपील, कहा हिंसा करने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। लखनऊ के घंटाघर पर आज भी महिलाओं का प्रदर्शन, सीए के खिलाफ प्रदर्शन वाली जगह पर पढ़ा कुरान। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले योगी के मंत्री मोहसिन रजा, मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं सिमी और पीएफआई। एमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैसल हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विवादित बयान का वीडियो वायरल। कौम के नाम पर देश को तोड़ने वाले बयान पर माफी मांगने से एमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष का इनकार, प्रधानमंत्री पर विश्वास तोड़ने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में विवादित पोस्टर को लेकर हिरासत में एक शख्स, एनआरसी सीए के खिलाफ मुस्लिम इलाकों में लगाए गए थे पोस्टर। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का ओवैसी बंधुओं पर फिर से हमला, कहा हिंदुस्तान राम की धरती है, राम का देश है, बगलों को बताया लुटेरा। हरियाणा से समाजवादी पार्टी की एमएलए नाहिद हसन गिरफ्तार, 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप। यूपी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के कार्यक्रम का किया उद्घाटन, लोगों को दी कई सौगात। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान आज भी अदालत में नहीं हुए पेश, बेटे के दूध जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आजम परिवार को अदालत के सामने होना है पेश। नोएडा में गैंगरेप की घटना निकली फर्जी, परिजनों के अनुसार मानसिक रूप से बीमारी पीड़िता। देवबंद में नाबालिग लड़की ने गैंगरेप का लगाया आरोप, तमंचे के दम पर नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को दिया गया अंजाम। कानपुर में मेडिकल की छात्रा गायब, गंगा बैराज पर मिली स्कूटी, गोताखोर कर रहे हैं तलाश। कानपुर में 2 दिन से गायब युवक का मिला शव, पड़ोसी ने बेटे के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा में शादी में फायरिंग, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बरेली के एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में भड़ गई आग, पटना की रहने वाली डॉक्टर सुकृति शर्मा को जिंदा जलने से मौत। फिरोजाबाद में 84 फर्जी शिक्षक बर्खास्त, सब पर होगी एफआईआर। मथुरा में एक शख्स की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने 3 गोली मारी। हरदोई में शराब माफिया के 1.25 करोड़ की संपत्ति जब्त, 2018 में दर्ज हुआ था केस। मेरठ में नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले ईरानी गैंग का शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, लाखों की नकदी जेवरात बरामद। गोरखपुर में 2 गुटों में चले पत्थर, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। नोएडा में ऑटो कार चुराने वाले गिरोह का खुलासा, गिरफ्तार एक आरोपी से कई गाड़ियां बरामद। अलीगढ़ में शख्स की हार्ट अटैक से जान गई, सीसीटीवी में कैद, परछाई बनी राज, परछाई से डरकर बुजुर्ग के गिरने की हो रही है चर्चा। चंदौली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ आरपीएफ ने किया मॉक ड्रिल। कानपुर देहात के बतरा स्टेशन पर बीजेपी सांसद बन गए सफाई कर्मचारी, देवेंद्र सिंह भोले ने खुद ही कर डाली सफाई। बिहार में पोस्टर वॉर की पहली कश्त, पटना में लालू यादव के खिलाफ लगा करप्शन मेल का पोस्टर। बिहार जेडीयू में घमासान, पवन वर्मा की चिट्ठी की बात को नीतीश ने हवा में उड़ाया, पवन वर्मा पार्टी छोड़ने पर अड़े। पटना में सीएए के खिलाफ भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने बीएम और अमित शाह पर कसा तंज, सबसे बड़ा झूठा बताया। मुंगेर में कृषि विभाग में काम करने वाले कर्मचारी की हत्या, बदमाशों ने शव को घर के बाहर फेंका। पटना के फुलवारी शरीफ में छात्रा के साथ यौन शोषण, फर्जी इंजीनियर समेत 3 गिरफ्तार। सहरसा में नेशनल हाईवे पर लोगों ने नमाज पढ़ी। पटना में 22 साल के युवक की अपराधियों ने गोली मारी। हाजीपुर में सब इंस्पेक्टर को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट कैंपस में अफरा तफरी, मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगाकर एक शख्स को ससुराल वालों ने जेल भिजवा दिया।
सासाराम के कुनियारी गांव में भीषण आग, महादलित समुदाय के 16 लोगों का आशियाना जलकर खाक। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक बिहारी लाल बिश्नोई का अनोखा प्रदर्शन, टिड्डियों से भरी टोकरी पैक करके गहलोत को देने पहुंचे। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने मचाया आतंक, बॉर्डर से सटे 20 किलोमीटर के क्षेत्र में किसान है परेशान। भरतपुर में सरपंच चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी ने दलितों को पीटा, पीड़ितों ने इंसाफ की लगाई गुहार। भरतपुर में एटीएम मशीन काट कर ले गए बदमाश, एक हफ्ते में एटीएम लूट की चौथी घटना। दौसा में अपराधियों के हौसले बुलंद, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने रात में ही की फायरिंग, दहशत में लोग। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, पोहा खाते देखकर उन्होंने बांग्लादेशी को पहचाना, थाली भरकर पोहा खा रहे थे कई मजदूर। आगरमालवा में मंत्री जीतू पटवारी का बीजेपी ने फूका पुतला, माफी की मांग। पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, 7 पिस्तौल कारतूस बंदूकें बनाने का सामान जब्त। सागर में दलित लड़के का पुलिस के पहरे में अंतिम संस्कार, जिंदा जलाने से मौत। खरगोन में सरकारी स्कूल में 8वीं फेल युवक पढ़ाते हुए पकड़ा गया, एक शिक्षक ने 4000 रुपये महीने पर रखा था। सीए समर्थक रैली के दौरान हिंसा के बाद झारखंड के लोहरदगा में कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद। चाईबासा के गुजले जाने से पहले बीजेपी की टीम को रोका गया, बीजेपी ने सोरेन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, 7 लोगों की हुई थी हत्या। गढ़वा में उग्रवादियों की लेवी पहुंचाने जा रहे 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने जाल बिछाकर घेरा। धनबाद में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान के दौरान हंगामा, पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलाई। पलामू के 10 दुकानों में भीषण आग, लाखों का नुकसान। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों का उत्पात, सड़क निर्माण से जुड़ी जेसीबी ट्रैक्टर को आग के हवाले किया। रजौरी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया दौरा, आतंक का खात्मा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता कहा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, जैश मोहम्मद से जोड़ा गया नाम, ये आतंकी भी जैश मोहम्मद का था। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीज़फ़ायर, पुंछ में LOC पर गोलीबारी, सेना ने दिया करारा जवाब। पुलवामा में पारमी गांव के पास घुसा तेंदुआ, 3 घायल, लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। जींद में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, 26 जनवरी को जींद में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर करेंगे ध्वजारोहण। 5 साल की बच्ची के साथ रेप हत्या के मामले में पंचकूला अदालत का ऐतिहासिक फैसला, 2 महीने में ही उम्र कैद। पंचकूला हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान हनीप्रीत पहुंची कोर्ट, 22 मार्च को अगली सुनवाई। गुरुग्राम के स्कूल में 2 बच्चों के बीच झगड़ा, एक बच्चे ने दूसरे पर फेंका तेजाब, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। रोहतक में 34 लाख के हेरोइन के साथ 5 गिरफ्तार, सभी से हो रही है पूछताछ।